आजकल मोबाइल फ़ोन के बिना जीना मानो मुश्किल सा हो गया है। हर काम के लिए मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसी दूर बैठे व्यक्ति से बात करनी हो, चाहे गूगल से कोई जानकारी लेनी हो, घर बैठे खाना मंगाना हो या फिर मनोरंजन हो। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं की वर्तमान संख्या 478 करोड़ है, जो कि दुनिया के 61.51% लोगों के बराबर है, और 18 से 29 वर्ष की आयु के 63% और 30 से 64 वर्ष के 30% लोग अपने स्मार्टफोन को पकड़ कर सोते हैं। क्या आपको पता है इससे आपके स्वास्थ्य को हानि भी होती है? लेकिन किस तरह की हानि? क्या फ़ोन के रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। साइंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए योलो साइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें। असल में सेल फोन एक दो तरफा रेडियो होता है, जिसमें एक रेडियो ट्रांसमीटर और एक रेडियो रिसीवर होता है। जब आप अपने फ़ोन पर अपने दोस्त से बात करते हैं तो आपका फ़ोन आपकी आवाज़ को एक विद्युत संकेत में बदल देता है, जिसे बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से निकटतम फ़ोन टावर तक पहुंचाया जाता है। टावरों का नेटवर्क तब रेडियो तरंगों को आपके दोस्त के फ़ोन तक पहुंचाता है, जो इसे विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है और फिर ध्वनि में। बहुत ही उच्च स्तर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शरीर के ऊतकों को गर्म कर सकती है और माइक्रोवेव ओवन ऐसे ही काम करता है। लेकिन सेलफोन द्वारा दी गई ऊर्जा का स्तर बहुत ही कम है और शरीर में तापमान बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रत्येक व्यक्ति पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। मोबाइल रेडिएशन से विभिन्न तरह के अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रभाव हो सकते हैं, जैसे हार्मोन का असंतुलन। फिजियोलॉजिस्ट चार्ल्स ग्राहम द्वारा किए गए एक प्रयोग से पता चला है कि ईएम रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ा और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो गया, जो कि खुद एक कैंसर का कारण बन सकते हैं। यह रेडिएशन तनाव का कारण भी बन सकते हैं। कुछ स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि एड्रेनलिन, इसका स्राव बढ़ सकता है। इसके कारण दिल की धड़कन तेज हो सकती है, ऊर्जा स्तर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, मांसपेशियों में सिकुड़न भी हो सकती है। इस रेडिएशन के संपर्क से जुड़ा एक और खतरा है, गर्भपात। इस क्षेत्र में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि मध्यम से निम्न स्तर के रेडिएशन के संपर्क में आने पर गर्भपात का जोखिम 180% तक बढ़ जाता है, और डॉक्टरों द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कैंसर होने का खतरा उन लोगों के लिए 3 गुना अधिक है जो मोबाइल फोन टावरों से 400 मीटर क्षेत्र के अंदर रहते हैं। 20 वर्ष की आयु से पहले बच्चों और किशोरों को ब्रेन कैंसर होने की संभावना 5 गुना अधिक होती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता, इसलिए रेडिएशन का प्रभाव ज़्यादा गहरा होता है। इन परेशानियों से बचने के लिए फ़ोन पर स्पीकर मोड या कॉर्डेड या कॉर्डलेस ईयरपीस यानी कि ईयरफोन का इस्तेमाल करें। फ़ोन पर बात करने के बजाय मैसेज करना आपके जोखिम को कम करेगा। अगर फ़ोन पर बात करना बहुत ज़रूरी है तो सीमित समय के लिए करें। अपने और अपने बच्चों के सेलफोन के उपयोग को सीमित करें। ऐसी आदतों का पालन करके आप मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से होने वाले विभिन्न स्वास्थ्य खतरों को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।